Hey guys, Assalamualaikum. Hope you all are fine and doing great. मेरी अभी तबीयत ख़राब है, आवाज़ थोड़ी बैठी हुई हो रही है, फिर भी मैं एक वीडियो बनाना चाहती हूँ. मैंने अपने 4 घंटे और 11 मिनट एक वीडियो देखने में लगाई जो कि थी शमाइला हसाम की. इट इज़ वेरी ह्यूज वीडियो जिसमें बहुत सारे आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे, उनकी शादी से लेके उनके सब चीज़, उनकी शादी से पहले का जो था, उनकी शादी के बाद जो था, नाव जो है, ठीक है, वो उनकी मेज़बानी, हमें नहीं पता वो सच बोल रही हैं झूठ बोल रही हैं, अल्लाह जानता है. बस मैं ये कहती हूँ कि उनके लिए दुआ है कि जो भी वो अगर बता रही हैं वो सच है तो अल्लाह मियाँ उनकी सारी परेशानियाँ हल करें, ठीक है. दूसरी बात है हसाम भाई, वो भी देखने में अच्छे लगते हैं, एक इनोसेंट पर्सन लगता है, बट अगर उन्होंने ऐसा किया है तो अल्लाह मियाँ उन्हें हिदायत दे, अगर शमाइला ने किया है तो अल्लाह मियाँ उन्हें हिदायत दे, ठीक है. दोनों बात जो है एक तरफ से कभी नहीं होती, दोनों तरफ से होती है. मैं वीडियो देखी रात के टाइम में, 12 बजे मैंने देखनी शुरू करी और 4:30 बजे मेरी वीडियो पूरी हुई, ठीक है. तो अब देखें क्या कि मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे नहीं पता अदर पर्सन क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा, लेकिन ये दोनों जो गंद कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा. आप ये कर सकते हैं कि अपने अपने लाइफ में जिए, आपको किसी को क्लैरिफाई करने की क्या ज़रूरत है कि उसने मेरे ऊपर ये किया, उसने मुझे ये बोला. जो आपके व्यूअर्स हैं वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आप दोनों ही अच्छा बनना चाह रहे हो दूसरों की नज़रों में, ठीक है. वो आप व्यूज़ के लिए कर रहे हो या आप सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो वो आपको पता है, अल्लाह बेहतर जानता है. अपना सबसे अच्छा आसान तरीका ये है कि अल्लाह पर छोड़ दें और सब्र करें, ठीक है. कौन क्या कह रहा है ये मैं सोचा, आप वीडियोज़ डाल रहे हैं इसके ऊपर, एलिगेशन लगा रहे हैं, जो ट्रूथ है वो बता रहे हैं, तो जो व्यूवर्स हैं, जो आपके फॉलोवर्स हैं, वो आपके लिए कुछ कर देंगे. जिन्हें बुरा कहना होगा आप उन्हें कुछ नहीं रोक सकते, कभी भी नहीं रोक सकते, वो आपको फिर भी बुरा ही कहेंगे, ठीक है. तो ये पॉइंट है कि आप जो ये वीडियो बना बना कर पोस्ट डाल डाल कर स्टोरीज डाल डाल कर क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं, उससे ठीक है, एक इंसान को आपकी स्टोरी पता चल जाती है कि ये हसाम भाई की तरफ की स्टोरी है, ये शमाइला की तरफ की स्टोरी है, ठीक है. लेकिन दोनों बिल्कुल अपोजिट है, वो कुछ कह रहे हैं, शमाइला कुछ कह रही है, तो जो व्यूवर्स हैं ना उनको खुद नहीं समझ आ रहा कि क्या है. तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपना तमाशा बनाने से क्या फ़ायदा, ठीक है. आप लोगों के सामने अपनी सारी बातें खोल खोल के रख रहे हो, ठीक है. वो जो व्यूवर्स हैं या जो फॉलोअर्स हैं वो आपका कुछ नहीं करेंगे, जिन्हें बुरा कहना होगा तब भी कहेंगे, जिन्हें अच्छा कहना होगा वो अब भी बोल रहे हैं. तो किसी को, दूसरे को या पूरी YouTube फैमिली को, पूरी दुनिया में आप देखे जा रहे हैं, आप उनको क्लैरिफाई कर रहे हैं. वो उधर के शमाइला, आई थिंक मुझे लगता था बीच में बहुत बातें हुई थी, हमें पता नहीं था कि क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन बीच में जो वो उनका मॉडेस्ट से, मतलब जो वो हिजाब से वो नॉर्मल कंप्रोमाइज, चलो हमने सोचा ठीक है, लेकिन अब जो ज़्यादा ही मॉडर्न कंप्रोमा रही है, मतलब देखना बंद कर देना. मैं हसाम की स्टोरीज देखती थी ज़्यादा ना, मैं शमाइला की स्टोरीज देखती थी, बट नाउ जब मैंने देखा तो हुआ कि 4 घंटे की वीडियो है और मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सर्व की देखने के लिए कि क्या आखिर क्या बात है, ठीक है. तो सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि आप दोनों गुड हैं, अपनी तरह से हैं, आप जो देखो स्टैंड ले रही है वो अच्छी बात है, लेडीज़ को स्टैंड कोई लेने नहीं देता, वो ले रही है बहुत अच्छी बात है. बट द थिंग इज़ कि आप जो यूट्यूब पर इतनी चीज़ें एक दूसरे के बारे में बोल रहे हो वो गलत है. आपका डिवोर्स हो गया, ख़त्म करें, उन्हें अपनी ज़िंदगी जीने दें, आप अपनी ज़िंदगी जी लो, ख़त्म करें उसको. लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, इधर से वो वीडियो बनाती है तो दूसरी तरफ से वो पोस्टर वीडियोज़ लगाते हैं. आई थिंक उन्होंने दूसरा चैनल बनाया, कह रहे हैं कि मेरे किसी सब्सक्राइबर ने ये चीज़ शमाइला को वो किया है, लेकिन मुझे लग रहा है उन्होंने खुद ही न्यू चैनल बना के उस पर, वरना उनके पास उसके चैट्स और वीडियोज़ वगैरह कहाँ से आई, ठीक है. तो उन्होंने खुद ही वो चैनल बनाकर एक न्यू वीडियो डालिए, तो ऐसे तो चलता रहेगा ना, आप सुकून से रहेंगे, ठीक है. बस ये है, अपने लाइफ एंजॉय करें, जो हो गया हो गया, बस आगे से सबक लें, कौन अच्छा है कौन नहीं, ये कोई भी अपने आप को बुरा नहीं कहता, ना शमाइला अपने आप को बुरा कहेगी ना हसाम अपने आप को बुरा कहेगा. तो जो व्यूवर्स हैं उन्हें तो देखो क्यूरियोसिटी सबको होती है कि इसके लाइफ में क्या चल रहा है, उसके लाइफ में क्या चल रहा है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या बताना चाह रहे हैं और कितना आप बताना चाह रहे हैं अपने. अगर आपको ज़िंदगी दोनों को ठीक करनी है तो आप सिर्फ इतना सोचें फिलहाल कि ठीक है बस हो गया जो होना था, आप अपनी आपका सेपरेशन हो गई है, आप अलग रहे हैं, जो आपके दिल में आता है वो करें, बजाय इसके कि आप वीडियोज़ बना रहे हैं. सिंपैथी आपको मिल जाएगी लेकिन
छोड़ देंगे उस रकम को, डिवोर्स हो गया, ख़त्म हो गई है बात, ठीक है बस, ठीक है ठीक है। बच्ची है, बच्ची को आप देखें कि क्या करना है क्या नहीं, बस माँ के पास बच्ची है, स्टडी माँ के पास आ गई है तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि माँ ज़्यादा बच्चे को संभाल सकती है, ठीक है। अल्लाह मैं बस मैं कहती हूँ दोनों की ज़िंदगी में खुशियाँ लाए और सारी ज़िंदगी में बरकत नसीब करे, बस ये आप छोड़ दें इस बात को कि क्या हो रहा है या उन्होंने क्या किया था। एक सबका बुरा वक्त होता है, अच्छा वक्त दोनों का आगे सोचे और इन्जॉय करें। किसी को आप वीडियो बना कर या पोस्ट डाल कर या स्टोरीज डाल कर किसी को अपनी तरफ मुतवज्जे नहीं कर सकती, जो जैसा सोचता है वो वही सोचेगा, भले ही वो आपको एक टाइम वीडियो देख के आपका हो जाएगा कि हाँ अच्छा शुमाइला के साथ ये जाती हूँ या ओ माय गॉड, बट जब हस्साम अपनी तरफ से डालेगा फिर लोग कहेंगे अच्छा तो हो, क्योंकि मेरे भी दिमाग में एकदम यही आज तो सबके दिमाग में यही होता होगा कि अच्छा ये कह रहे हैं कि ऐसे क्या हुआ, अच्छा फेक भी बना सकती हैं ये चीज़ें, तो ये चीज़ें होती हैं। तो बस अब छोड़ें यार, आपका हो चुका है, बस अल्लाह मियाँ जिसकी भी गलती थी या जो भी थी अल्लाह में हिदायत दें और बस नई ज़िंदगी शुरू करें, ठीक है। आप लोगों के क्या क्या कमेंट्स हैं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में तो ज़रूर बताइएगा। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़।